इन प्रीवियस लेक्चर हमने गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखी थी कुछ इस तरह से ठीक है और हमने ये भी देख लिया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आती कैसे हैं लेकिन हमने कहा था और हमने ये भी देख लिया था कि इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो न्यूटन का वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला है वो निकल आता है सो so, न्यूटन का क्लेम ये था ओनली द वेलोसिटीज आर रिलेटिव ओनली द वेलोसिटीज आर रिलेटिव टाइम एंड स्पेस के नॉट बी रिलेटिव मतलब रिलेटिविटी का जो लफ्स है वो पहले से मौजूद था लेकिन आ, कुछ चीजों को माना जाता था कि ये रिलेटिव होती हैं कुछ चीजों को कहा जाता था ये रिलेटिव नहीं होती है एपसोलूट होती है जैसा कि टाइम और स्पेस के बारे में न्यूटन ने कहा था कि जी ये एब्सोल्यूट होते हैं लेकिन हाँ रिलेटिव हो सकती है जबकि जो हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था एंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट उसके जरिए <coughs> सॉरी ने ये प्रूफ करके दिखाया था कि टाइम डज नॉट नीड टू बी नेसेसरली जीरो सॉरी नेसेसरली एब्सोल्यूट लाजमी नहीं कि वक्त हमेशा एब्सलूट रहे मतलब एक रेस्ट पर्सन के लिए और एक मूविंग पर्सन के लिए एक जैसा गुजरे ये लाजमी नहीं है टाइम कैन फ्लो एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स और ये उसने साबित करके दिखाया था सो गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो आखिरी पॉस्टुलेट है ये तो इस चीज पर बेस्ड है कि टाइम मस्ट बी एब्सोलूट सो so, ये जो फोर्थ इक्वेशन है गलीलियर ट्रांसफॉर्मेशन की दैट कैन नॉट बी करेक्ट सो गियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास शक की जद में आ चुके हैं वैसे ही जैसे न्यूटन के कवानीन और न्यूटन के पॉस्टूलेट के टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट वो शक की जद में आए थे इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन भी शक के जद में आ गए सो so, अब हम क्या करें जाहिर सी बात है कि अब हम नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की तरफ देखेंगे लेकिन लेकिन हम नए ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढने से पहले नई थ्योरी ढूंढेंगे जो कि न्यूटन की जो एक बड़ी थ्योरी है जिसकी एक रेपुटेशन है उसके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कर सके सो so, जो नई थ्योरी है दैट वाज कॉल्ड रिलेटिविटी अब आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की पहली दफा तो ये 1905 में पब्लिश की थी ठीक है और उसमें इसने साबित करके दिखाया था कि टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन हो सकते मसलन वही जो दो पॉस्टुलेट्स थे न्यूटन के स्पेस के एब्सोल्यूट होता है और टाइम एब्सोल्यूट होता है उन दोनों को गलत साबित करके दिखाया था ठीक है और इसने अपनी थ्योरी को नाम दिया था स्पेशल रिलेटिविटी क्यों क्योंकि ये थ्योरी जो है वो एक स्पेशल केस तक लिमिटेड है क्या है वो स्पेशल केस उस पर हम पहुंचते हैं लेकिन पहले हम स्पेशल रिलेटिविटी को शुरू से स्टडी करते हैं ठीक है सो so ऑब्वियसली जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके पढ़े जाते हैं पॉस्टुलेट्स ठीक है सो स्पेशल रिलेटिविटी को पॉस्टुलेट्स uh, वो अः uh, असूल होते हैं या वो कंडीशन होती हैं जिस पर कोई थ्योरी बेस कर रही होती है ठीक है तो so सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है uh, <coughs> वो है

ये एक तरीका है इसको जाहिर करने का ठीक है दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दिस इज नॉट बेसिकली द पॉस्टुलेट वन ऑफ रिलेटिविटी ये रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल है uh, और ये बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि ऑल ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स आर इक्विवेलेंट एज वेल फॉर एज डायनामिकल एक्सपेरिमेंट्स आर कंसर्न मतलब हम uh, जब भी कोई <coughs> ऐसे uh, एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हो जिसमें मोशन इन्वॉल्व हो तो ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स इक्वेलेंट होते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जर्वर उस वाक्य को रिकॉर्ड करेगा तो उसको सेम ही एक्सपीरियंस करेगा ठीक है बशर्ते के वो ऑब्जर्वर जो है वो खुद इनर्शियल हो अब इनर्शियल ऑब्जर्वर से क्या मुराद है इनर्शियल ऑब्जर्वर से मुराद है वो ऑब्जर्वर जो खुद या तो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो ठीक है सो ये उसने डिटेल लिखी है दैट इज नॉट आवर कंसर्न हमारा जो कंसर्न है दैट इज पॉस्टुलेट नंबर वन ठीक है अच्छा से हाँ इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल बिकॉज़ ये कह रहा है कि देखिए ऑल इनर्शियल आर इक्वेलट एज फार एज डायनेमिकल एक्सपेरिमेंट्स आर कंसर्न तो कहा यह जा रहा है कि इनर्शियल फ्रेम्स तो होते हैं लेकिन कब जब तक हम डायनामिकल एक्सपेरिमेंट्स कंसर्न कर रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं तो अगर हम डायनामिकल एक्सपेरिमेंट कंसर्न नहीं करेंगे तो फिर लाजमी रही कि इनर्शियल ऑब्जर्वर्स इक्वेलेंट हो ये बात जहन में आती है यहां से देख कर मतलब साथ कोई कंडीशन लगा दी इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल भी कहते हैं कि इसमें साथ कंडीशन लगा दी गई लेकिन आ, आइंस्टाइन को बाद में खुद ये एहसास हुआ कि वो कंडीशन लगाना लाजमी नहीं सिर्फ डायनामिकल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बल्कि हमेशा इनर्शियल फ्रेम्स इक्वेलेंट होते हैं हमेशा ठीक है सो ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्वेलेंट दिस इज द पोस्टुलेट वन प्रिंसिपल ऑफ जो अगली बात थी कि डायनामिकल सिस्टम एक्सपेरिमेंट आर कंसर्न वो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ डायनामिकल सिस्टम तक नहीं बल्कि हर तरह के सिस्टम के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए यह कंडीशन सही है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्वेलेंट ठीक है सो अब इस बात का मतलब क्या इस बात का मतलब बड़ा आसान सा है इसका मतलब यह है कि फिजिक्स जो है वो बेशक आप एक रेस्ट वाला ऑब्जर्वर हो या एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फॉर बोथ फिजिक्स वुड बी द सेम जी अली हादर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सो so, दोनों के लिए फिजिक्स सेम होगी अब अगर आप इस बात को देखें यस नोरिन दैट इज ट्रू इनर्शियल मीन्स आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ठीक है सो बेसिकली आप न्यूटन्स लॉ से इनर्शिया की डेफिनेशन जान सकते हैं बॉडी एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन सो इनर्शियल मीन्स दैट फॉलोज दैट ओबेज द लॉ ऑफ इनर्शिया

आपके पास एक पानी वाली बोतल है और एक पानी एक गिलास है जो कि खाली है तो आप अगर उस पानी वाली बोतल में से गिलास में पानी डालना चाहे, सो तो आपको उसका कानून पता है कि ग्रेविटी अट्रैक्ट इट डाउनवर्ड्स सो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो पानी खुद खुद डाउनवर्ड्स बहने लग जाएगा ठीक है सो तो ये फिजिक्स का कानून हमें पता है अब आप फर्ज करें कि आप मोटरवे पर जा रहे हैं सो तो अक्सर उत आप लोगों ने अगर डेवो वास्क में सफर किया है तो ये ए, एक्सपेरिमेंट आपके सामने हुआ भी होगा कि वहां पर भी बोतल में से ग्लास में पानी डाला जा सकता है और सेम मेथड से, से कि आप बोतल को थोड़ा ऊपर रखते हैं उन ढेलते हैं और पानी खुद बाखुद ग्लास में बहने लग जाता है ठीक है सो फिजिकल लॉ जो है कि ग्रेविटी ए डाउनवर्ड्स वो रेस्ट पर भी एप्लीकेबल है और यूनिफॉर्म मोशन में भी एप्लीकेबल है अब जब आप बस में बैठे हैं और गिलास में पानी डाल रहे हैं एकदम से अगर बस ब्रेक लगा दे तो फिर पानी गिलास में नहीं गिरेगा बल्कि फिर आपके ऊपर भी गिर सकता है और उछल भी सकता है ठीक है तो तब लॉज फिजिकल लॉज जो है वो डिफरेंट हुए सो so, आइंस्टाइन का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली uh, और मतलब ढके छुपे अल्फाज में आइंस्टाइन ने ये कहा कि न्यूटन के कवानीन दुरुस्त है देखे ये देखे वी सी दैट दिस प्रिंसिपल इज नो वे जो कानून है ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये न्यूटन को गलत नहीं कह रहा बेसिकली ये कह रहा है कि न्यूटन सही है न्यूटन के कवानीन होल्ड करते सिर्फ उसके कवानीन को आइंस्टाइन ने एक आ, हद मुकर कर दी है उसकी न्यूटन के कवानीन या फिजिक्स के सारे कवानी सिर्फ वहां तक सही होते हैं जहां तक हम इनर्शियल होते हैं मतलब जहां तक हमारी मोशन जो है वो या तो कांस्टेंट मोशन हो या हम रेस्ट पे हो तब तक न्यूटन के कवानी दुरुस्त है उसके बा, बाद की मैं गारंटी नहीं दे सकता ठीक है सो so, ये एक तरीका था न्यूटन के कवानीन को लिमिट करने का तो गलत नहीं उसने कहा उसने लिमिट कर दिया ठीक है सो दिस वाज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट सेकंड पॉस्टुलेट द देंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट अब इसके बारे में बहुत सारे uh, क्या कह सकते हैं दलीलें हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है क्यों ठीक है uh, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो दलील बड़ी आसान है पॉस्टुलेट टू कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट

सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, ठीक है सो ये एक्चुअल पॉस्टुलेट है ठीक है मतलब उसने किताब में क्या किया उसने किताब में ये वैक्यूम वाला लफ्स इंक्लूड नहीं किया सो so, वैक्यूम वाला लव्स इंक्लूड करना लाजमी है क्योंकि मेटीरियल uh, अगर डिफरेंट हो तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकती है लेकिन वो खैर हमारा अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है एनी हो तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स मतलब कोई भी नापे कोई एक रेस्ट वाला ऑब्जर्वर नापे या मूविंग ऑब्जर्वर नापे या कोई और ऑब्जर्वर नापे तो जो कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम आएगी इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब है चलिए इसके बारे में मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कहा ये जाता है कि ंग विद मे बी अ चाइल्ड नेफ यू एनी हाउ एनी पर्सन ऑन अ बोट फर्ज कर लें कि ये एक बोट है ठीक है और इस पर आइंस्टाइन भी मौजूद है और उसका बेटा भी मौजूद है सो so आइंसटाइन उसको समझा रहा है रिलेटिविटी और करता है कहता है कहता कि फर्ज करें कि हमारी ये जो बोट है इसकी स्पीड है फर्ज कर लेते हैं लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर ठीक है अब उसने कहा कि यहां पर हमारे पास एक कश्ती के सामने फ्रंट साइड पर बोर्ड के फ्रंट साइड पर एक कैनन लगी हुई है एक तोप लगी हुई है जो कि एक कैनन बॉल फायर करती है और वो जो कैनन बॉल है वो यहां से फायर होता है और उस कैनन बॉल की जो रफ्तार है वो इस तरफ को है फर्ज कर लेते हैं हंड्रेड किलोमीटर पारा जो प्रोपेलिंग uh, स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर सो आइंस्टाइन ने कहा कि एक्चुअली जब uh, ये कैनन बॉल फायर होगा तो उसकी एक्चुअल जो स्पीड है वुड बी द एडिशन ऑफ बोथ सो द एक्चुअल स्पीड वुड बी वी एक्चुअल गन ठीक है एक्चुअल वुड बी इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आर। उसकी वजह क्या है कि कैनन बॉल जब बेसिकली रेस्ट पर था तोप के अंदर था तो वो ऑलरेडी पूरे सिस्टम के साथ 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और जैसे ही उसको फायर किया गया और कैनन ने उसको 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से फेंका तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है उसको बोट के पूरे सिस्टम से मिली और 100 किलोमीटर पर आवर उसको मिली कैनन uh, से तो उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 150 किलोमीटर पर आवर ठीक है सो so, उस बच्चे ने आइंस्टाइन से सवाल किया कि फर्ज कर लेते एक टॉर्च लगी है बोट के बोट के सामने जो कि एक फोटोन एमिट करती है ठीक है ये येलो कलर का मैंने एक फोटोन बनाया सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन विल बी इसी तरह स्ट्रेट फायर किया और फोटोन uh, की वेलोसिटी होगी सी सॉरी सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो जो वी एक्चुअल है वी एक्चुअल ऑफ फोटोन वुड इक्वल टू C प्लस फिफ्टी किलोमीटर पर आर तो बच्चे ने कहा ये होनी चाहिए क्वेश्चन किया तो ने कहा नो इट ड लाइट लाइट के केस में ऐसा नहीं होता लाइट के केस में भी एक्चुअल क्या है C and that's it. so light के केस में जो फोटोन अमिट किया बेशक पहले स्पीड फिफ्टी हो बोट की फिर भी जो एमिट होगा फोटोन उसकी वेलॉसिटी उतनी ही होगी थ्री मल्टीप्लाई टावर एट मीटर पर सेकेंड अब दूसरा तरीका करें अब फोटोन को बैक से फायर करें तो फिर तो वेलोसिटीज माइनस होनी चाहिए कम होनी चाहिए नहीं फिर भी वेलोसिटी सी आएगी अब आप एक दूसरे की तरह जो हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन की एग्जांपल देखी थी रिलेटिव वेलोसिटी की कि एक कार आपके की तरफ जा रही है आ रही है दूसरी कार आपको ओवरटेक कर रही है अगर आप उस केस में देखें कि कार की बजाय एक फोटोन हो लाइट रे हो वो आपकी तरफ आ रही है तो आप कहेंगे कि जी हमारी वेलोसिटी जो है वो प्लस होगी नहीं फिर भी आपको जो स्पीड ऑफ लाइट लगेगी वो सी ही लगेगी बरक्स इसके अगर आपको ओवरटेक कर रही कर रहा हो कोई फोटोन तो तब भी आपको उसकी स्पीड उतनी ही लगेगी ये एक खास बात है जो लाइट के साथ एसोसिएटेड है बेशक उसमें वेलोसिटी ऐड कर लें बेशक उसमें से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लें बेशक उसके साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर लें जो लाइट की एक्चुअल स्पीड है वो हर शख्स को हर ऑब्जर्वर को सेम ही दिखाई देगी नो मैटर वट हमेशा अब ये बात जो है ये देखने को अजीब सी लगती है लेकिन दिस इज फैक्ट दिस इज वेल प्रूव्ड फैक्ट और इसके हमारे पास शवाहिद भी मौजूद है और ये जो फैक्ट है ये आइंस्टाइन को मदद की इस फैक्ट ने रिलेटिविटी थ्योरी फॉर्मुलेट करने में और तकरीबन 1905 से अब तक सौ से भी ज्यादा साल हो गए एक सौ पंद्रह साल हो गए अगर हम काउंट करें अभी तक इस फैक्ट को तोड़ा नहीं जा, जा सका अभी तक ये गलत साबित नहीं हुआ ये सही साबित ही हुआ ठीक है खैर, ये दो पॉस्टुलेट्स है रिलेटिविटी के और इन्हीं पर बेस करके आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी बनाई और जिसके जरिए आगे उसने इसके थ्योरी के कॉन्सिक्वेंसेस भी निकाले कि अगर ऐसा है तो फिर हमें फिजिकल लॉस क्या बन जाएंगे फिजिकल लॉस की हालत क्या नहीं आएगी ठीक है खैर दो बातें हमने मान ली कि इनर्शियल फ्रेम्स इक्वेलेंट होते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर इक्वेलेंट होते हैं हर जगह और दूसरी बात आपने मान ली कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सब के लिए सेम होती है बेशक कोई मूव कर रहा है बेशक कोई रेस्ट पे बेशक कोई एक्सलरेट कर रहा है फर्क नहीं पड़ता लेकिन खैर एक्सेलरेशन की बात आइंस्टाइन ने नहीं की थी आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के लिए ही पेश की थी ठीक है खैर हमेशा मैं कहता हूं कि हमें रेलेटिविटी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है तब तक जब उसमें मैथ जब तक उसमें मैथ नहीं आ जाता ठीक है सो अभी तक हमने बात कर ली और अब हमारे पास मैथ आ गया है सो मैथ समझने के लिए रिलेटिविटी का मैथ समझने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जो इस किताब में तरीका बताया गया है वो बताया गया है के फैक्टर मेथड। अब के फैक्टर कहता है, है न्यूटन ने जो कहा था कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट होते हैं वो बात तो हमने गलत साबित कर दी कि टाइम और स्पेस लाजमी नहीं के सेम हो वो डिफर कर सकते ठीक है सो अगर मैं किसी चीज की बात करूं तो लाजमी नहीं कि वो टाइम और स्पेस को अलहदा से ट्रीट करें हम टाइम और स्पेस को एक साथ भी ट्रीट कर सकते हैं अब अगर आप बात देखें आ, ये हमारे पास एक एक्सेस है सॉरी ब्लैक कर देता हूँ इसको ये हमारे पास हो गई वर्टिकल एक्सेस फर्ज कर लिया और ये हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये हमारे पास हो गई जेड एक्सेस तो हमें पता है कि इन तीनों एक्सेस में अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो वो पॉइंट किसी चीज की बताएगा पोजीशन, ठीक है सो अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का So, ये जो वेक्टर है ये मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है और ये बताता है बताता है ठीक है सो पोजीशन वेक्टर जो है वो मुझे सवाल जो है वेयर उसका जवाब देता है कि कोई चीज कहाँ है उसका जवाब मुझे ये देता है ठीक है अब हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि अगर मैं एक और एक्सेस बनाऊ यहां पर और कहूं एक और एक्सेस बनाऊ यहां पर ऐसे जी एक और एक्सेस बनाई और इसको मैंने कह लिया कि जी ये वाली एक्सेस जो है ये है टाइम एक्सेस और यहां पर दरमियान में इसका जीरो है तो इसमें अगर कोई वेक्टर होगा यहाँ पे तो वो मुझे बताएगा कि कब कोई काम हुआ है सो दिस विड गिव मी दिसन आंसर टू वेन सो आंसर ने कहा कि वेन एंड वेयर आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स वेन एंड वेयर आर टू कंबाइंड थिंग्स दे मस्ट बी कंबाइंड टूगेदर सो यहाँ से कहा क्या गया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो टाइम का और स्पेस का डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए बल्कि एक ही होना चाहिए सो so, उसने कहा क्या आइडिया uh, ये प्रपोज किया कि फर्ज कर ले मैं ये फर्ज करता हूँ कि मेरी मोशन सिर्फ एक्स एक्सेस में हो रही है तो मैं दो एक्सेस बना सकता हूँ दो एक्सेस बना सकता हूँ एक्स एक्सिस सो दिस इज एक्स एक्सेस और दूसरी जो एक्सेस है ये हो गई हमारी टाइम एक्सेस ठीक है so सो इस कॉर्डिनेट सिस्टम को मैं कहता हूं स्पेस टाइम सो मैंने कोई भी अब जो चीज देखनी है स्पेस टाइम कहलाएगी ठीक है सो अगर इसमें कोई मैं वेक्टर बनाऊं, इसमें कोई वेक्टर बनाऊं, जैसा कि ये है यहां से लेके यहां तक तो ये मुझे वेन का आंसर भी देता है और वेयर का आंसर भी देता है सो so, अगर मुझे वेयर पूछना हो तो उसके लिए मैं जो अपने स्पेस वाले एक्सेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाता हूं उसको मैं कहता हूं पॉइंट ठीक है जब यहां पर मैं कोई पॉइंट लगाऊंगा तो वो पॉइंट नहीं कहलाएगा बल्कि अ पॉइंट कॉरिस टू एन इवेंट विद इन स्पेस टाइम So, इसमें अगर मैं कोई पॉइंट लगाऊंगा तो दैट मीन्स एन इवेंट सो ये जिस पॉइंट तक ये वेक्टर uh, पहुंच रहा है ये पॉइंट जो है वो मुझे किस, कोई इवेंट जाहिर करता है इवेंट होता है वाक्य ये कोई चीज कहाँ हुई है और कब हुई है ठीक है सो दिस स्पेस टाइम और इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सो स्पेस टाइम समझना क्यों जरूरी है अभी देख लेते हैं अभी देखिएगा अगर मुझे एक ऑब्जर्वर यहां पर बनाना है स्पेस टाइम के अंदर जो कि स्टेशनरी है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा वो और कीजिएगा ठीक है लेट्स कॉल दिस ऑब्जर्वर ए, ए, ऑब्जर्वर नंबर नेम सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेट लाइन क्यों अगर ये रेस्ट पर है तो फिर एक पॉइंट क्यों नहीं नाम लगा देते तो उसका जवाब ये है कि ये हमें स्पेस टाइम में नजर आ रहा है कि ये रेस्ट पर है क्यों? क्योंकि एक्स में इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही लेकिन अगर कोई शख्स खुद रुका हुआ है तो उसके लिए लाजमी तो नहीं कि उसके लिए वक्त भी रुक जाए ठीक है वक्त तो गुजरता रहेगा सो so, ये जो टी में उसकी एक्सेस है वो चेंज होती रहेगी एक्स में एक्सेस चेंज नहीं होगी लेकिन टी में एक्सेस चेंज होती रहेगी इसी तरह अगर मुझे कोई मूविंग ऑब्जर्वर बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा ठीक है so, सो इसको हम कह लेते हैं ऑब्जर्वर बी सो so, अब आप देखें हमने कहा कि ये एक मूविंग ऑब्जर्वर है सो यू कैन सी के इसकी एक्स में भी चेंज आ रहा है और टी में भी चेंज आ रहा है मतलब जैसे जैसे मूव करेगा इसके लिए वक्त भी गुजरता चला जाएगा सो दैट वुड मूविंग ऑब्जर्वर, सो इस तरह से हम एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ड्रॉ करेंगे विद इन स्पेस टाइम और इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे एक सॉरी uh, uh, हाँ ए जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर और बी जो है वो एक मूविंग ऑब्जर्वर ठीक है टाइम uh, हमारे पास कम रह गया दिस वुड बी इट फॉर टुडे